नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। नागपंचमी का त्योहार हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार नागपंचमी का त्योहार 2 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। नागपंचमी के त्योहार में नागों की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा के इस पावन पर्व का विशेष महत्व है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागपंचमी पर नागों की पूजा करने से कुंडली के काल सब दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। कुंडली से काल सब दोष दूर करने के लिए नागपंचमी के दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए। जिनकी कुंडली में काल सब दोष है उन्हें नासिक में बाबा त्र्यंबकेश्वर जाकर नागपंचमी के दिन पूजा करवानी चाहिए। जो लोग काल सब दोष से पीड़ित है उन्हें हर साल सावन में नागपंचमी के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके बाद चांदी के नाग नागिन का दान करना चाहिए। दान किसी जरूरतमंद गरीब ब्राह्मण को ही करना चाहिए। सावन के माह में रोजाना राहु और केतु के मंत्र का जाप करने से कालसर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति 8, 9, 10 या मुखी नेपाली रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकते हैं। रोजाना एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। कालसर्प दोष निवारण कवच भी धारण किया जाना चाहिए। नागपंचमी तिथि हमारी जो है वो 2 अगस्त 2022 को सुबह 5:14 से आरम्भ हो जाएगी और इसका समापन 3 अगस्त को सुबह 5:42 पर होगा। इसकी नागपंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 2 अगस्त को प्रातः 5:42 से 8:24 तक रहेगा। पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 41 मिनट की रहने वाली है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले।